एम्पायर शूटिंग शर्टिंग टेलरिंग समा लेडीज कॉर्नर म्यूजिशियन बिरयानी हाउस के एम आर होलसेल फ्लावर मार्ट भारत फर्नीचर। आदाब नाजरीन, एवन टीवी उर्दू रायचूर न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की अहम सुर्खी यह है कि एनआरबीसी किनाल को पामन कलूर तक तौसी करने का मुतालिबा। जिले के हलके असम्बली मस्की के तहत आने वाले मौजा पामन कलूर में गुज़िश्ता 104 दिनों से किसान एहतजाज कर रहे हैं और मुतालिबा कर रहे हैं कि नारायणपुर राइट बैंक किनाल की शाख को पामन कलूर तक तौसी देने का जो मंसूबा बनाया गया था, इस मंसूबे को फौरन अमल में लाया जाए। लेकिन 104 दिन गुजरने के बाद भी हुकूमत इनकी आवाज़ नहीं सुन रही है। चुनाचे जिला भर के किसानों ने इनकी हिमायत में आज कर्नाटका नीरावरी संघ के तहत रायचूर शहर में ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली और एक मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर को पेश करते हुए इस मंसूबे को फौरन अमल में लाने का मुतालबा किया। इस मौके पर बसवराजप्पा गौड़ा हरवापुर, तिम्मन गौड़ा नागरेडप्पा देवरमणि, एन शिवन गौड़ा, आर मानसया TUCI स्टेट प्रेसिडेंट, करियप्पा छोड़ी, शिव कुमार, शेखर पंडाड़, इनके अलावा सादे खान सुवर्णा कर्नाटका रक्षा सेने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अलावा कई संघ समिति के जिम्मेदारान अहदेदारान मेम्बरान भी मौजूद थे। कर्नाटका नीरावरी संघ से आज जो रायचूर में अंबेडकर सर्कल में जो प्रोटेस्ट कर रहे, स्पेशली जो हमारे रिक्वायरमेंट सिंह के जो है NRPC पाइए पामन कल्लूर आके वहाँ से 2021-22 जो इसमें बजट में फर्स्ट स्टेज में 500 CR जो रिलीज करना था फंड स्टेपों को, अभी वो एक काम होना बाद में से इसमें जो है गरीबा जो है बाद में जो कर लेगा रोजोरिटी जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको प्रधानमंत्री योजना में NRPC पाइए पामन कलूर शाखा कालवे जारी नीरावरी जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट को रहता पानी का सहूलत कर को देने के बारे में है। और NRPC ये पामन कलूर जो शाखा से जो होना बोल रहे थे ना जो पाइए इसका क्या बोलते बड़ा किनाल का वर्क वो वैसे होता जल्दी होना उससे बहुत एग्रीकल्चरिस्ट को हेल्प होता उसके बारे में चार्ज इश्यू है सो उसके बारे में चार्ज प्रोड्यूसर है सो। मेरा नाम सादे खान सुवर्णा कर्नाटक रक्षा सेने रायचूर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट।